हेलो फ्रेंड्स, बंदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तोरी की सब्ज़ी मैं आपको मसाले के साथ बनाना सिखा रही हूँ, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। यदि आपको तोरी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरह से तोरी की सब्ज़ी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, आपको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाले वाली तोरी बनाने के लिए ये मैंने तोरी ली हुई है, जिनको छील कर रख लिया है। अब सबसे पहले हम इन्हें काट लेंगे। हमें इस तरह काटना है इनको, एक में से मैंने 3 पीस किए हुए हैं, इसके हमें बड़े बड़े पीस कट करने हैं। देखिए इस तरह से हमें काटना है इनको। ये देखिए तोरी मैंने कट कर ली है। अब मैंने लिए हुए 3 बड़े प्याज लहसुन, अब हम इसे कट कर लेंगे। प्याज लहसुन को काट कर मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, हल्दी में डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। अब मैं डाल रही हूँ सौंफ, सौंफ में डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब। अब मैं डाल रही हूँ जीरा, जीरा में डाल रही हूँ यहाँ 1.5 चम्मच के करीब। नमक हमें यहाँ अपने स्वाद अनुसार डालना है, मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक यूज किया है। अब मैं डाल रही हूँ मिर्ची, मिर्ची पाउडर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब। अब इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। मसाले को मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। 1 कटोरी में मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पॉट लिया हुआ है, जिसको गर्म कर लिया है। इसमें मैंने 6 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब नमक। नमक डालने से ऑयल की जो झार होती है वो निकल जाती है और सब्ज़ी हमारी खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें मसाला, जिसको हमने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया था। अब इसे अच्छे से भून लें। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनने दें। ये देखिए मसाला हमारा भुनने लगा है, ये ऑयल साइड से छूट रहा है, इसे थोड़ी देर और भून लें। अब देखिए ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। इसी तरह से हमें मसाला भूनना है। इसे भूनने में करीब हमें 7-8 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें तोरी डालेंगे, तोरी को इसमें डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे ढक्कन से ढक दें और इसे 5-7 मिनट के लिए पकने दें, उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये 7 मिनट के करीब हो चुके हैं और सब्जी देखिए हमारी गलने लगी है, इसे थोड़ी देर हमें और पकाना है। 7-8 मिनट तक इसे और पका लें, इसे फिर से ढक दें और 7-8 मिनट तक पकने दें। ये सब्जी आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं या किसी पॉट में भी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाई है। कुकर में आप जब इस सब्जी को बनाएं तो एक सीटी लगाकर इसे पका लें, सब्जी आपकी गल जाएगी। मैंने जिस पॉट का यूज किया है ये सर्जिकल मेटल का बना हुआ है, इसमें हम जो भी सब्जी बनाएंगे वो उसी फॉर्म में रहेगी, सब्जी हमारी सिंक नहीं होगी और क्वांटिटी सब्जी की कम नहीं होगी। इसमें मैं आधा नींबू डाल रही हूँ, नींबू डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 5-7 मिनट और पकने दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दो मिनट तक हमें इसे और पकाना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में सर्व करेंगे। इसे मैं यहाँ एक बर्तन में सर्व कर रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और बहुत ही बढ़िया ये हमारी सब्जी बनी हुई है।
इसे मैंने एक बर्तन में सर्व कर दिया है और ये बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।